कमलनाथ सरकार द्वारा भूमाफिया पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, लेकिन नीचे बैठे अधिकारी सिर्फ कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति करने में लगे हैं। एक ऐसा ही मामला हम आपको दिखाते हैं दसई के एक निजी विद्यालय का, जहां विगत दिनों पहले समाचार को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इनकी जो जमीन है वह इनके पास पूरी है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि सालों से बना सरकारी तालाब की पाल पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन जब इस बारे में अधिकारी से चर्चा करनी चाहिए तो वह जवाब नहीं दे पाए। तो इससे क्या साबित होता है कि तालाब की पाल स्कूल संचालक की निजी मानी जाती है? क्या अगर ऐसा होता है तो शासन द्वारा नई तालाब की पाल का निर्माण कराया जाना चाहिए, नहीं तो किसी दिन स्कूल संचालक पूरी पाल को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देगा। शासन भले ही अपनी नीयत साफ रखे और जनहित में ऐसे कदम उठाए जिनका बरसों से जनता को इंतजार था, मगर जिससे उसके कई नुमाइंदे इसकी योजनाओं पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं, वहां दुख का विषय है कि देश भर में भूमाफियों के खिलाफ चले अभियान की लोकप्रियता जग जाहिर है। शहरों से लेकर गांव तक जिस तरह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चले हैं हर्ष का विषय है, मगर दशक के एक निजी स्कूल द्वारा सरकारी जमीन पर तालाब की पाल खुलेआम अतिक्रमण की शिकायत के बाद उस पर ठोस कार्यवाही नहीं होने पर मामला संदिग्धता उत्पन्न कर रहा है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इस पर कोई कार्यवाही करते हैं या इस तरह खानापूर्ति चलती रहेगी। सरदारपुर से दशरथ पाटीदार की रिपोर्ट। सर, आज अब लिटिल फ्लावर स्कूल दशरथ ग्रामवासी द्वारा एक शिकायत की गई थी, इसके संबंध में सीमांगा करके जांच की है। इसमें मंडी की दीवार, मंडी ने कुछ जमीन इनकी मंडी की छोड़कर बना ली है। 31 आरे जमीन स्कूल संचालक द्वारा मैदान के रूप में, बच्चों के खेल मैदान के रूप में उपयोग की जा रही है, ऐसा पाया हमने। पाल की तरफ ही ऐसा तो नहीं बताया था मैंने, मंडी की दीवार के बाद में जमीन मंडी की ओर बचती है ऐसा बताया था। अभी जो बता रहा ना मैं आपको, 31 आरे जमीन आ रही है, कल मंडी की तरफ संचालक की भी 5 आरे जमीन निकल रही है अभी जब हमने सीमांकन किया उसमें। सुरेश ब्राह्मणिया, राजेश निरीक्षक। ठीक, मैं शिकायत की थी स्कूल के, मुझे यहाँ से कुछ ये तालाब की जो पाल है वो ज़्यादा ही अतिक्रमण में दिख रही थी, इसके समक्ष मैंने फिर SDM साहब और तहसीलदार को नापतोल करवाने के लिए बोला। इससे संतुष्ट तो नहीं हूँ मैं, आगे तक जाऊँगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा और भी, अगर ये तालाब की पाल नहीं है तो फिर ये बिना पाल का तालाब कैसे इस प्रकार से मुझे थोड़ा आगे जाने की। अगर भाई मान लिया जाए कि ये जैन साहब की ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सरकार से जो महोदय जी आए इनके समक्ष जाँच पाई गई, अगर ये बोलते थे कि हम इसमें कोई अतिक्रमण नहीं है तो हम आगे तक जाएंगे, सरकार मैं संतुष्ट करके दे देगी कोई भी बड़ा अधिकारी, क्योंकि ये जो मशीनें हैं इसका ना नॉलेज हमें नहीं है, आप लोगों को पत्रकार महोदय को है, या फिर इसके हिसाब से फिर हम आगे अगर वो संतुष्ट कर देंगे कि वास्तविक में जगह जैन साहब की है तो हम बिल्कुल संतुष्ट है। लेकिन ये हम, ये हमारा एक ही मुख्य कहना ये है कि अगर ये तालाब की पाल नहीं है तो फिर ये तालाब होना ही नहीं चाहिए, फिर तालाब की पाल तो होना चाहिए ना, उसकी अतिक्रमण के लिए हमने आवेदन दिया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।